It's wonderful to be here. It's the Zee Kutum, the Zee Rishte Parivar, and it truly feels like a family when we all are together. So I'm looking forward to this evening. बस यही it's a very very overwhelming experience to be on a red carpet of Zee Rishte Awards because काफ़ी पुराना बंधन है. पहले जितने शोज़ किए हैं जी टी वी पे उसके बाद अब यहाँ पे आ रहे हैं. हालांकि हमारा शो बहुत नया है और अभी अभी आया है तो हम नए सदस्य हैं इस शो अवार्ड में. सो आई फील रियली एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल द परफॉर्मेंसेस एंड नॉमिनेशंस. ऑब्वियसली वेरी एक्साइटेड, यू नो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग लाइक पोस्ट इक्विटी पंजाब दी गॉट लॉन्च्ड और बहुत एक्साइटेड हैं एंड यू नो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इनसाइड क्योंकि पहला अवार्ड फंक्शन है हमारा पूरी टीम का. तो हम एकदम जोशो शोशो से आए हैं यहाँ पर. हमारे स्लोगन्स भी हैं जो हमने प्रिपेयर किए हैं कुछ, तो ऐसे अंदर क्या होता है. ढोल और नगाड़े, तैयारी गुलाब दी, जीतेगा भी जीतेगी एक कुड़ी पंजाब दी. या सो आई हैव हर्ड एक कुड़ी पंजाब दी नॉमिनेशन में है बिकॉज रिगार्डिंग द स्टोरी एंड आई थिंक फीमेल लीड एज वेल. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड या इट्स ऑब्वियसली अ वेरी स्पेशल इवेंट तो बहुत मज़ा आएगा. या जी रिश्ते इज़ ह्यूज इवेंट एंड एक्चुअली इट्स माय फर्स्ट जी रिश्ते इवेंट. आई बी परफॉर्मिंग इन जी रिश्ते अवार्ड्स एज वेल. सो आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज आई बीन वॉचिंग जी बचपन से एंड परफॉर्मिंग ऑन जी इज़ अनदर एक्साइटमेंट. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एक्चुअली जी कुटुम का पार्ट बन के एंड वी इन्जॉय you know working for Zee so much and we've been waiting for this opportunity bahut time se. So finally Zee Rishte is happening and we're here and I'm here with my chachi ji and I'm here with my shaktudi and after so many years I'm back with Zee after doing so many hit shows. So I'm very very excited coming back to Zee family. I'm so excited. Main inke sath I think 10-12 saal se associate hu aur mera association bahut lamba hai. आई थिंक वृद्धा से लेकर के अभी तक की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है जी के साथ. सो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड और आज नॉमिनेशन डे है तो देखते हैं कहाँ का नॉमिनेट होगा. अवार्ड्स के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि पूरे साल वी वर्क फॉर इट और आई थिंक ये बिल्कुल स्कूल जैसा होता है कि आप पूरे साल मेहनत करो और आपको ईयर के एंड में आपको आपका रिजल्ट मिलता है. बिल्कुल उसी तरह मुझे ये भी लगता है कि आप पूरी मेहनत करो पूरे साल और ZRA में आपको आपकी मेहनत का अवार्ड मिलेगा. आई एम रियली एक्साइटेड तो वो पता चलेगा हमें एंड वी आर होपिंग कि हर जगह पे जैसे हमारे शो में से हर एक किरदार को कुछ ना कुछ अवार्ड मिलेगा.